नमस्कार, मैं जेपी यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूपी लाइव अपडेट न्यूज में। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच थाना मटेरा के अंतर्गत शंकरपुर चौराहे पर मुस्लिम महासभा देवीपाटन मंडल अध्यक्ष मुकीम अहमद के द्वारा बसपा के बरातीलाल विश्वकर्मा को जिला उपाध्यक्ष बनने की खुशी में खुशी समारोह रखा गया। बरातीलाल विश्वकर्मा को फूल का माला डालकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर मौजूद सुभाष सोनकर, चंद्रिका प्रसाद एडवोकेट, प्रदीप कुमार यादव, लवकुश वर्मा, रिंकू आर्य, टाइगर एवं नैनपारा बसपा के युवा नेता सिराज मंसूरी, शिवम कुमार विश्वकर्मा, बबलू विश्वकर्मा समेत अन्य कई पार्टी के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। हमारे संवाददाता मकसूद रजा के साथ इमरान खान की रिपोर्ट। सर आपका शुभ नाम? बरातीलाल विश्वकर्मा। सर ये जो समारोह रखा गया है, इसका आपका कौन सा उद्देश्य है आपका? परसों हमको बहुजन समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है बहन जी के दिशा निर्देश से। जी, तो आज हमारे मित्र शंकरपुर चौराहे पे कुछ कार्यकर्ता साथी जिनका स्वागत का कार्यक्रम कर रहे थे, जी उसी में हम शिरकत किए और आप जिसे हम लोग चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो। 2022 में बहन कुमारी मायावती जी तो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। आपको जो है इस जो पद मिला है, इससे पहले आप इस पद पे जो है नियुक्त थे या नहीं थे? नहीं, इससे पहले नहीं नियुक्त थे। इससे पहले मैं मटेरा विधानसभा का महासचिव था। जी, 15 साल से मैं बहन जी के पार्टी में काम कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी में। और आज करते करते यह समय आया कि हमको जो है जिला उपाध्यक्ष का समय है, जिला उपाध्यक्ष बनाने का उपाध्यक्ष आपको बनाया गया है मेन पार्टी में। जी, और मैं प्रयास करूंगा कि बहन जी के जो भी उनका विश्वास है, जो भी उनकी सोच है, आने वाले समय में 2022 में बहन जी की सरकार बनवाने में पूरी ताकत, तन, मन, धन और सारे कार्यकर्ताओं से। और ये आपको पता है 284 मटेरा विधानसभा का जो है संभावित प्रत्याशी किसको जो है, कौन चेहरा आ रहा है अपना मटेरा विधानसभा? अभी तक तो बहन जी का आशीर्वाद एक महमूद अहमद जी है, जिनको मटेरा विधानसभा का प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। जी,